ऐसा होता है ना कि 12th के बाद, आफ्टर 12th ही हर कोर्स होता है, तो ऐसा होता है कि ठीक है, जिसको पता होता है उसके लिए तो सही है, जिसको नहीं पता होता या तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करता है, या फिर अगर कोई सजेशन दे दे तो वो उस अकॉर्डिंग कर लेता है। अगर अगर जिसको पैशन पता हो तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी पैशन की तरफ जाएगा। तो सर मोस्टली एग्रीकल्चर में जब मैं आई थी तो खुद से तो नहीं आई थी ये, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना। तो मेरी असिस्टेंट है तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आ तो गई। उसके बाद सिर्फ तीन चीज़ें थी कि या तो गवर्नमेंट चाहिए, या अगर पापा का बिजनेस है होगा तो वो करना है, फिर दूसरा ये है कि अगर मेरे अंदर कोई हॉबी है तो मैं उस तरफ चली जाऊँगी सर, क्योंकि यही ऑप्शन होता है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि आ तो गए हैं बट पता तो कुछ है नहीं कि करना क्या। तीन ही चीज़ की रेस होती है मोस्टली, इवन जब मैं आई मुझे इसी चीज़ की रेस अभी तक यही है कि गवर्नमेंट, घर वाले बोलते हैं कि अब आ तो गए हो ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है एग्रीकल्चर, इसीलिए तो मैं एग्रीकल्चर में भेजा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, ये एग्जाम निकालो वो एग्जाम निकालो। दूसरा होता है कि बिजनेस है तो यही संभाल लेते हैं, यही संभालना है, इस चीज़ के लिए इसमें आए हैं एग्रीकल्चर में। तीसरा है कि अगर हाँ मुझे कुछ पता है कि मेरे अंदर ये है मैं ये कर लूँगी तो ठीक है, कोर्स खत्म होने के बाद 4 साल का तो मैं वही कर लूँगी। कहते हैं कि अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती, ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जब 12th था आपने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरा पैशन क्या होगा, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैंने कहा कई लोग ऐसे हैं जिनको ताउम्र नहीं पता होता उनका पैशन क्या है। फिर एक 12th यानी कि 17-18 ईयर की एज में ये पता होना कि उसका पैशन क्या है, कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स पर। और पेरेंट्स कितने अवेयर और कितने इंटेलेक्चुअल हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और ये बहुत रेयर चीज़ है लोगों का इंटेलेक्चुअल होना और अवेयर होना, कि वो अपने बच्चे को इस प्रकार से ग्रोन अप करें और ग्रूम करें कि वो अपने पैशन को पहचान सके, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को पहचान सके। ये करवाना बहुत बहुत रेयर पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इतनी हद तक सोच पाएंगे। दो चीजें सोचते हैं पेरेंट्स, एक वो सोचते हैं कि जो वो उनका सपना है वो बच्चा पूरा करे, फिर वो ये नहीं देखते कि बच्चा में क्या है, क्या उसकी सोच है, क्या उसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बस कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनाना है, उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा कि उतना बड़ा इंजीनियर होना चाहिए, तो बच्चे पर भी वही चीज़ लाद देते हैं जो आज आप कोटा में देख रहे हैं कि कई लोग जो है सुसाइड करते हैं। उसके पीछे यही चीज़ होती है कि बच्चे को ना समझते हुए उस पर ओवरबर्डन देना। हमें वो समझना होगा पेरेंट्स को कि वो ये चीज़ उन पर लाद दे रहे हैं, अपने जो उनके सपने हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट उनका रहता है कि एक तो इस टाइप के होते हैं, और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो ये कि यार ये कुछ ऐसा कर ले कि ये खा पी ले। किस चीज में ये खा पी सकता है भाई, मार्केट में क्या चीज ऐसी चल रही है जिसमें ये ढंग से खा पी सकता है? ये एग्रीकल्चर करके खा लेगा, या फिर ये सामान्य ग्रेजुएशन करके वाली नौकरी कर लेगा? इतना कौन सोचता है यार, इतना सोचने वाले बहुत सारे सचिन तेंदुलकर निकलते हैं हर घर से, इतना ही तो नहीं सोच पाते हैं हम। इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ बात केवल आपके लिए नहीं हो रही है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो रही है। आप लोग बड़े होंगे, आज बच्चे हैं कल पेरेंट बनेंगे, तो आज अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हैं, अगर उनको भी इन चीजों से गुजारेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। आपका वो जो समय निकल गया उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे आने वाले समय के लिए। कि आप सोचते हैं कि क्या मैं एग्रीकल्चर में जाऊं, क्या मैं अपने पेरेंट के बिजनेस को संभालूं, मुझे इनमें से क्या करना चाहिए। इसके लिए आपकी थॉट प्रोसेस अब चलेगी, वो दो तरीके से चलेगी। और उसमें साथ में ये पॉइंट भी इन्वॉल्व होगा, देखो पैशन के फील्ड में जाने के लिए बहुत जुनूनी पैशनेट बनना चाहिए, इस सच को स्वीकारो, बहुत जुनूनी पैशनेट चाहिए।
और जो भी जुनूनी पैसनेट है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती उसके पैसन को ऊंचाइयों तक ले जाने तक। जो उसके लिए कि वो पैसन ही नहीं होगा, पता नहीं कितनी इनकम करके देगा उसे। तो हमें पहले ये पहचानना होगा क्या हमारे पास कोई चीज इस हद तक है। हमने शाहरुख खान को सर्कस नाटक में देखा था, मैंने, आप लोगों ने सुना होगा, एक धारावाहिक में आते थे शाहरुख खान। आज बॉलीवुड का किंग खान है वो। सीरियल के तो कलाकार को हम छोटा मोटा समझते हैं ना, उसके सामने वो तो एक ऐसा नाम है जो शताब्दियों तक रहेगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी, भूलेंगी नहीं। बॉलीवुड का पूरा इतिहास जब तक रहेगा तब तक शाहरुख खान रहेंगे। उनके अंदर वो पैशन जुनूनियत की हद तक था। अमिताभ बच्चन जो अपनी लंबाई और अपनी आवाज के लिए ही जिनको नकार दिया जाता था शुरू में, और आज उनकी आवाज बिकती है। आप अक्सर पीछे से देखते होंगे आवाज अमिताभ बच्चन की आ रही है उसमें, बैकग्राउंड वॉइस में वो बिकती है, बड़ी महंगी बिकती है। तो उनके अंदर वो पैशन जुनूनियत की हद तक, वो उसके लिए दुनिया से लड़ सकते थे, क्योंकि लड़ने के बाद वो उनको दे जाता, क्योंकि उनके अंदर लावा की तरह था, वो ज्वालामुखी की लावा की तरह। अगर आपके किसी के अंदर कोई चीज इतनी जुनून की हद तक है तो आप जरूर परस्यू कीजिए, नहीं है तो दिमाग चलाइए, है तो दिल की बात सुनिए। और उस हद तक नहीं है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो फिर दिमाग से काम लीजिए। फिर दिमाग ये कहता है कि हम किस में बेहतर खा पी लेंगे, जो पेरेंट्स सोचते हैं। मैं नहीं कहता कि हर पैशनेट बंदा शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन बन जाएगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ी इंटेंसिटी उनसे कम होगी। अगर पैशन है बहुत अच्छा फिर भी एक स्तर का, तो भी आप इतनी अर्निंग तो कर ले रहे होंगे कि एक सामान्य नौकरी से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये पहचानना होगा आपको, ये खुद पहचानेंगे आप। और अगर वो नहीं मिला आपके अंदर, दूसरा केस, अगर आपको लगता है कि वो चीज नहीं मिली आपके अंदर, तो फिर आपके पास क्या एलिजिबिलिटी अभी तक है। आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो चुकी हैं और ग्रेजुएट भी हो चुकी हैं, अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें भी आप ये सोच सकती हैं एक प्रकार से कि क्या चीज करने पे मुझे दिल से भी सुकून मिलेगा और पैसा भी आ रहा होगा। सोच सकती हैं, देखो ये डेप्थ वाली सोचने की चीज दे रहा हूं आपने को, मैं डिसीजन आपने लेना है। मैं आपसे ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता कि आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, आप वहां चले जाओ। मैं केवल आपके इकोनॉमिक पोर्शन को सिक्योर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पूरी लाइफ को जो है जीने की बात कर रहा हूं। अभी भी जीने का मौका है, अगर आपके पास पैसा उस स्तर का नहीं है तब भी आप जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट चुन करके एक सामंजस्य बिठा सकते हैं कि इसमें थोड़ा आनंद भी आ रहा है और थोड़ा पैसा भी आ जा रहा है, यार दोनों चीज हो रही है। हालांकि एग्रीकल्चर तो अच्छा फील्ड है ही आपके पास, उसमें अपॉर्चुनिटी तो है ही आपके पास, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं वहां भी आपको मिलेंगी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि केवल यूजी के बाद मत जाइए, आप लोग पीजी कीजिए और कोई डॉक्टरेट कर सकता है तो करिए, यही उम्र है जिससे मैं आप एजुकेशन को ऊपर लेकर के जा सकते हैं और वो आपके ताउम्र काम आएगी। आज का हम नजरिया देखें, आज के वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो ग्रेजुएशन एक बहुत छोटी सी क्वालिफिकेशन है जिससे कुछ खास हम नहीं कर पाएंगे आगे, हम लोग रुक जाएंगे रास्ते में। तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कर सकते हैं तो बेहतर, फिर आप जॉब फेज में घुस जाइए अगर आपने नौकरी के फील्ड में घुसना है। तो बिजनेस में भी घुसना है तो तब भी इतना तो रुका जा सकता है भाई, 24-25 साल की उम्र तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसके बाद फिर घुसिए जहां घुसना है। फिर तो 50, 55, 60, 70, 80 इतने साल हैं आपके पास, जितना जी जाए, जो वो जिंदगी इसी के बेस पर बेहतर होगी। अभी अपना अच्छा दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो पढ़ रहे हैं ना उसे पूरी ताकत से पढ़ दीजिए,
अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक विद्यार्थी जीवन में आपका सिर्फ ये काम होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी चीज में आप घुसे हैं, उसे पूरी ताकत से पढ़ दीजिए, रास्ते खुद निकल के आ जाएंगे। कैंपस सिलेक्शन होगा, वहां भी आप ही का होगा। जिस एग्जाम में उसके जरिए बैठेंगी, वहां भी आप ही का होगा।